अब कौन से शहर में है? दोस्तों हम बात कर रहे हैं कर्नाटका की। कर्नाटका को टूरिज्म सेक्टर में इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट स्टेट्स में गिना जाता है। कर्नाटका में आपको बीचेस से लेकर माउंटेन्स, डेंस फॉरेस्ट से लेकर रिच बायोडाइवर्सिटी और एंशियंट मॉन्यूमेंट्स, फोर्ट्स, पैलेसेस से लेकर मॉडर्न सिटीज तक सब कुछ देखने को मिलेगा। अगर आपको इंडिया के एक ही स्टेट में रहकर सब कुछ विजिट करना है तो आपको कर्नाटका आना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कर्नाटका की टॉप 10 सबसे बेहतरीन जगह जो कि आपको डेफिनेटली विजिट करनी चाहिए। नंबर 10, चिकमंगलूर। 3400 फीट के एलिवेशन पे स्थित चिकमंगलूर कर्नाटका का एक बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन है। चिकमंगलूर में कॉफी प्लांटेशन काफी फेमस है और इसी वजह से इसे कॉफी लैंड ऑफ कर्नाटका के नाम से भी जाना जाता है। चिकमंगलूर अपने सीरीन एनवायरनमेंट, लश ग्रीन फॉरेस्ट और टॉल माउंटेन्स के लिए फेमस है। ये हिल स्टेशन अभी थोड़ा अनएक्सप्लोर्ड है, इसलिए यहाँ की ब्यूटी एकदम ही रॉ फॉर्म में प्रिजर्व्ड है। चिकमंगलूर में आप कर्नाटका के सबसे ऊंचे मुलियानागिरी पीक पे ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुद्रमुख पीक, हीरेकुलाला लेक, बटरमिल्क फॉल्स और कॉफी फील्ड्स में भी घूम सकते हैं। नंबर 9, बिदर। बिदर एक हिस्टोरिकल सिटी है जहाँ काफी आर्किटेक्चरल वंडर्स हैं जो कि चालुक्यास और मोहम्मद बिन तुगलक के जमाने के माने जाते हैं। बिदर को पुराने जमाने का एक पावरफुल सेंटर माना जाता था जहाँ काफी बड़े राजाओं ने राज किया है। बिदर में काफी एंशियंट टेम्पल्स, फोर्ट्स, मस्जिद, टूम स्टोन्स और प्राचीन खंडर भी हैं जो कि यहाँ आने वाले टूरिस्ट को बहुत ही पसंद आते हैं। बिदर इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट एयरफोर्स ट्रेनिंग सेंटर भी है और बिदर का ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट, वुड कार्विंग, सैंडलवुड प्रोडक्ट्स और सिल्वर वर्क भी काफी फेमस है। बिदर में आप बिदर फोर्ट, रंगीन महल, बहामनी टूम्स, 16 खंबा मस्जिद और नरसिंह जीरा केव टेम्पल में घूम सकते हैं। नंबर 8, उडुपी। उडुपी को कर्नाटका की वन ऑफ द बेस्ट हॉलीडे डेस्टिनेशंस में गिना जाता है। उडुपी की खास बात यह है कि ये शहर एक तरफ से वेस्टर्न घाट्स के माउंटेन्स हैं और दूसरी तरफ अरेबियन सी से घिरा हुआ है। उडुपी अपनी सीनिक ब्यूटी, क्लीन बीचेस, लश ग्रीनरी, माउथ वाटरिंग फूड और डेंस फॉरेस्ट के लिए फेमस है। इसके अलावा उडुपी में कुछ कार्व करके बनाए हुए मंदिर भी हैं और उन्हीं में से एक है यहाँ का फेमस कृष्णा टेम्पल, जहाँ हर साल काफी लोग दर्शन करने आते हैं। इसके अलावा उडुपी में आप सेंट मैरीज आइलैंड, कोडी बीच, मेपल बीच, कॉप बीच, कुडलू फॉल्स, अनंतेश्वर टेम्पल, दरिया बहादुरगढ़ फोर्ट, करकाला और बारकोर में घूम सकते हैं। नंबर 7, मुरुदेश्वरा। भगवान शिव को समर्पित मुरुदेश्वरा एक बहुत ही धार्मिक शहर है जो कि कर्नाटका में अरेबियन सी के किनारे बसा है। मुरुदेश्वरा की सबसे मेन हाईलाइट है यहाँ पे स्थापित भगवान शिव का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्कल्पचर, जिसकी हाइट 123 फीट है और ये मूर्ति आपको कई किलोमीटर दूर से भी आसानी से दिख जाएगी। मुरुदेश्वरा में आप मुरुदेश्वरा टेम्पल, मुरुदेश्वरा फोर्ट, मुरुदेश्वरा बीच, अलीगढ़ा बीच, मिर्जान फोर्ट, नेत्रानी आइलैंड, स्टैचू पार्क और भी कई लोकेशंस में घूम सकते हैं। मुरुदेश्वरा के बीचेस पे वाटर स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है और यहाँ आप स्कूबा डाइविंग का भी मजा ले सकते हैं। नंबर 6, कूर्ग। अगर आप अपनी रेगुलर लाइफ से ब्रेक लेकर किसी शांत और सुंदर हिल स्टेशन पे कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो कूर्ग आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन होगा। कूर्ग अपने स्टीप हिल्स, शानदार वाटरफॉल, रिच फ्लोरा एंड फौना, बेहतरीन सीनरी और कॉफी प्लांटेशन के लिए फेमस है। कूर्ग की नेचुरल ब्यूटी और प्लेजेंट वेदर की वजह से इसे स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इतना ही नहीं, कूर्ग की हिस्ट्री, कल्चर, लग्जरी, एडवेंचर और माउथ वाटरिंग फूड यहाँ की ट्रिप को और भी ज़्यादा बेहतरीन बनाती है। कूर्ग में आप द राजा सीट, मदिकेरी फोर्ट, अब्बीज फॉल्स, राजा टूम, इरुप्पा फॉल्स, ताड़ी एंड डोमल पीक, कॉफी फील्ड्स, बारापोल रिवर और भी कई एक्साइटिंग जगह पे घूम सकते हैं। नंबर 5, मैंगलोर। कर्नाटका की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटी मैंगलोर एक पूरी घूमने लायक जगह है। मैंगलोर इंडिया की वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटीज में से एक है और ये फेमस है अपने बीचेस, आइलैंड, टेम्पल, फूड और बेहतरीन सनराइज और सनसेट पॉइंट्स के लिए। मैंगलोर का अपना मॉन्यूमेंटल सिग्निफिकेंस भी है और एक कमर्शियल सिटी होने के बाद भी मैंगलोर में अभी भी काफी कुछ है जिसको डिस्कवर करना बाकी है। मैंगलोर में आप कुडरोली गोकर्णनाथ टेम्पल, पानम्बूर बीच, उल्लल बीच, मैंगलोर बीच, बेजाई म्यूजियम, सुल्तान बैटरी, मंगला देवी टेम्पल, सेंट एलोसियस चैपल और भी बहुत सी जगह घूम सकते हैं। नंबर 4, गोकर्णा। गोकर्णा कर्नाटक का एक बहुत ही सुंदर शहर है जो कि अपने एंशियंट टेम्पल्स, बेहतरीन बीचेस,
रिच हिस्ट्री और सीरीन एनवायरनमेंट के लिए फेमस है। माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव ने गाय के रूप में अवतार धारण किया था और इसीलिए यहाँ शिव जी को समर्पित एक प्राचीन महाबलेश्वर मंदिर भी है। इसके अलावा गोकर्णा में आपको इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट बीचेस देखने को मिलेंगे। यहाँ के बीचेस का नाम उनकी शेप के अकॉर्डिंग रखा गया है, जैसे कि ओम शेप का ओम बीच और हाफ मून शेप का हाफ मून बीच। गोकर्णा का सबसे सुंदर पैराडाइज बीच की तो बात ही कुछ और है। और इसके अलावा यहाँ कुडल बीच और गोकर्णा बीच भी है, जहाँ आप काफी वाटर स्पोर्ट्स जैसे कि सर्फिंग, स्नोर्कलिंग, पैरासेलिंग, स्कूबा डाइविंग और जेट स्की का मजा ले सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ याना केव्स, नमस्ते कैफे, महागणपति टेम्पल और कोटी तीर्थ में घूम सकते हैं। दोस्तों, गोकर्णा की पीस और वाइब एकदम ही अलग लेवल की होती है, इसलिए आपको जब भी मौका मिले लाइफ में एक बार तो गोकर्णा घूमने जरूर आइएगा। नंबर 3, हम्पी। कर्नाटका का सबसे बड़ा खजाना हम्पी सिर्फ कर्नाटका का ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। हम्पी के बेहतरीन प्राचीन खंडरों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी प्राप्त है। विजयनगर एम्पायर पे कई महान राजाओं ने राज किया है और उस टाइम पे हम्पी को बहुत ही वेल प्लान्ड सिटी माना जाता था। हम्पी में आपको हर जगह कई प्राचीन मंदिर देखने को मिलेंगे और उन हर मंदिर का अपना अलग सिग्निफिकेंस है। हम्पी के प्राचीन मंदिर, कल्चर, फूड और प्राचीन खंडर और उनके पीछे की स्टोरीज अपने आप में बहुत ही स्पेशल है। हजारों साल पहले बने ये मंदिर और मॉन्यूमेंट्स आज भी बहुत ही वेल प्रिजर्व्ड हैं और ये इंडिया की एंशियंट आर्किटेक्चर की एक्सीलेंस को दर्शाता है। हम्पी में आप श्री विरूपक्षा टेम्पल, विजय विठल टेम्पल, हेमाकुला हिल टेम्पल, लोटस महल, अच्युतार्य टेम्पल, एलिफेंट स्टेबल्स, मतंग हिल और भी बहुत ही टूरिस्ट प्लेसेस घूम सकते हैं। नंबर 2, मैसूर। मैसूर की गिनती तो पूरे इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस में होती है। मैसूर अपनी शानदार रॉयल एंशियंट बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स, ब्यूटीफुल गार्डन, रिच कल्चरल हेरिटेज और माउथ वाटरिंग फूड के लिए फेमस है। मैसूर के मैसूर पैलेस को ताजमहल के बाद इंडिया का बेस्ट आर्किटेक्चरल मार्वल माना जाता है। मैसूर के बेहतरीन पैलेसेज और रिच हेरिटेज की वजह से इसे सिटी ऑफ पैलेसेज के नाम से भी जाना जाता है। मैसूर में आप मैसूर पैलेस, वृंदावन गार्डन्स, श्री चामुंडेश्वरी टेम्पल, जगमोहन पैलेस आर्ट गैलरी एंड ऑडिटोरियम, तलकड़, फोकलोर म्यूजियम, ललिता महल और रेलवे म्यूजियम में घूम सकते हैं। नंबर 1, बेंगलोर। सिलिकन वैली ऑफ इंडिया के नाम से फेमस बेंगलोर एक आईटी हब तो है ही, लेकिन साथ ही घूमने के लिए भी एक बहुत ही बढ़िया लोकेशन है। 3000 फीट के एल्टीट्यूड पे स्थित बेंगलोर का मौसम साल भर बहुत ही प्लीजेंट रहता है। बेंगलोर में ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का शानदार मिक्सचर है, जहाँ एक तरफ बेंगलोर में सभी हिंदू और कन्नड़ फेस्टिवल को बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है, वहीं बेंगलोर में कैफे कल्चर और पब कल्चर भी काफी बढ़ रहा है। बेंगलोर एक बहुत ही ग्रीन एरिया है और यहाँ आपको हर तरफ लश ग्रीन गार्डन्स, पार्क, वाटरफॉल्स और बेहतरीन व्यू देखने को मिलेगा। बेंगलोर की इसी ग्रीनरी की वजह से इसे गार्डन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। बेंगलोर में नेचर लवर्स, एडवेंचर लवर्स, म्यूजिक लवर्स, पार्टी लवर्स सबके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेसेस हैं। बेंगलोर में आप लालबाग बोटेनिकल गार्डन, बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, बेंगलोर पैलेस, क्यूबोन पार्क, टीपू सुल्तान समर पैलेस, इस्कॉन टेम्पल, वंडरला, विधानसभा, स्नो सिटी, इनोवेटिव फिल्म सिटी और बहुत कुछ घूम सकते हैं। इतना ही नहीं, बेंगलोर के आसपास भी बहुत सी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जैसे कि रामनगरा, कनकपुरा, स्कंदागिरी, गुहंतारा केव रिजॉर्ट, शिलहंदरा रिजॉर्ट और सबसे फेमस नंदी हिल्स, जहां से आपको सनराइज और सनसेट का बेहतरीन व्यू देखने को मिलता है। दोस्तों, इन सब के अलावा भी बेंगलोर में बहुत ही इंटरेस्टिंग टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जिसका एक सेपरेट वीडियो बनता है। तो अगर आप बेंगलोर का एक अलग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, इन सब के अलावा भी कर्नाटका में कई बहुत ही बढ़िया टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जैसे कि बेलूर, दांदेली, मदिकेरी, बांदीपुर, हसन, बेलगांव, बदामी, जिन्हें एक वीडियो में कवर करना थोड़ा मुश्किल है। तो अगर आप कर्नाटका का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। ऑलराइट दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल दैट टाइम, गुड बाय।